हेलो सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 4 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर 11 फॉर 11th क्लास. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन रिफर्स टू द लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट. जाइलम फ्लोएम के जरिए किसी सब्सटेंस का प्लांट बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड तक फ्लो होना ट्रांसलोकेशन कहलाता है. नाउ डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आयंस ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो हमने देखा डिफ्यूजन जो है एक रैंडम मूवमेंट है मॉलिक्यूल का और एनी सब्सटेंस का एक हायर रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड की तरफ मूव करना जब तक दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती. ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द प्रेशर डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. इसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं. प्लाज्मोलाइसिस इज द श्रिंकेज. प्लाज्मोलाइसिस इज द ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड इट्स मूवमेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस. व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन दैट हैज हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और हाइपरटोनिक. तो इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस. अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रख दें तब हम देखेंगे कि सेल में साइटोप्लाज्म बाहर आना शुरू हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस के जरिए. सेल में साइटोप्लाज्म बाहर आना शुरू हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस के जरिए और सेल में श्रिंकेज होनी शुरू हो जाएगी. उसी को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. नाउ टर्गर प्रेशर, द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट डेवलप्स इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सेल ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड टर्गर प्रेशर. इसी को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं. टर्गर प्रेशर. तो अभी हमने देखा कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दैट डेवलप वाटर के एंटर होने पर साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता है और सेल के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है उसी को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं. मास और बल्क फ्लो. मास और बल्क फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन बल्क और एन मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू पॉइंट इज कॉल्ड मास और बल्क फ्लो. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द एपोप्लास्ट. एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल. दिस इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट. तो एक सिस्टम जिसके अंदर सेल वॉल के एडजेसेंट गैप से कंटिन्यूअस जो है वाटर पास होता है दैट इज कॉल्ड एपोप्लास्ट एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन रूट. सो एपोप्लास्ट, लिसन अगेन, एपोप्लास्ट. एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन रूट्स. नाउ सिम्प्लास्ट. सिम्प इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट. नाउ मेम्ब्रेन परमियाबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच ए मेम्ब्रेन परमिट्स और
restricts the movement of a substance is called membrane permeability. मेम्ब्रेन के जरिए वाटर का अलाव होना, सेल के अंदर जाना परमेबिलिटी कहलाता है. नाउ ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. पानी का भाप बनकर प्लांट बॉडी के एरियल पार्ट से निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है. एसेंट ऑफ सैप द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द जाइलम इन प्लांट्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. जाइलम के जरिए प्लांट बॉडी में वाटर और मिनरल का ऊपर की तरफ चढ़ना एसेंट ऑफ सैप कहलाता है. नाउ इट कंटेन सम फॉलोइंग फोर्सेस, जैसे कोहेजन. इट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ए सिमिलर काइंड. दो सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कोहेजन कहते हैं. एंड एडिशन, इट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड. अगर डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है तो उसे हम एडिशन कहते हैं. सरफेस टेंशन ड्यूल इन द लिक्विड फेस. टेंसिल स्ट्रेंथ, टेंसिल कहते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ of a small diameter when kept in a vessel containing water is called capillarity. Guttation, the loss of water in the form of liquid droplets from the leaf margin and the tip in herbaceous plant is known as guttation. इसी को हम कहते हैं guttation. Water का loss होना droplet की form में प्लांट बॉडी से, स्पेशली इन हर्बेशियस प्लांट में लीफ के मार्जिनल पार्ट से वाटर बूंदों के फॉर्म में निकलना गटेशन कहलाता है. क्रॉस द मेम्ब्रेन और फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू एंड टेक्स प्लेस बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड बाय डिफ्यूजन सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसी को हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. लॉन्ग डिस्टेंसेस मूवमेंट अकर थ्रू द वास्कुलर टिश्यूज जैसे जाइलम फ्लोएम. तो जो प्लांट बॉडी में लॉन्ग डिस्टेंसेस होती हैं वो जाइलम फ्लोएम से कवर होती हैं, और अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस होती हैं तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए या डिफ्यूज़न के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट बॉडी में. ओके, नाउ इन प्लांट्स देयर इज ए कॉम्प्लेक्स प्लांट देयर इज ए कॉम्प्लेक्स बट प्रोबेबली वेरी ऑर्डरली ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन and each organ receives some and giving out some other substances. Okay, now diffusion is a very important to plant as the following events occur by diffusion. Entry of carbon dioxide from atmosphere into the leaves by photosynthesis happening by diffusion. Loss of water vapor from the leaves into the atmospheric in the atmosphere during transpiration. Entry and exit of oxygen during respiration and photosynthesis respectively. The diffusion rate are affected by gradient of concentration. Number 2, permeability of the membrane. Number 3, temperature and pressure. Permeability of a membrane to a substance depends on the following: size of the molecule, smaller molecule, diffusion factor, solubility of the substance in lipid, substances soluble in lipid diffuse faster through the membrane. Okay, now see next facilitated diffusion. समझेंगे facilitated diffusion क्या होता है.
सब्सटेंस दैट हैव ए हाइड्रोफिलिक मायोटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन एंड देयर मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलेटेड. देयर आर सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स विच प्रोवाइड द साइट फॉर सच मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन. ओके, नाउ फैसिलेटेड डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन बट विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. फैसिलेटेड डिफ्यूजन एक इस तरीके का मूवमेंट है जिसमें सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाते हैं और किसी तरीके की एनर्जी खर्च नहीं होती है. तो एक तरीके का ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. द पोरेंस, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ होल होते हैं, उन्हीं को हम पोरेंस कहते हैं. द पोरेंस आर प्रोटीन विच आर ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड एंड सम बैक्टीरिया. दे अलाउ मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ ए स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू आर कॉल्ड पोरिन. नाउ व्हेन ए स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल बाइंड्स टू द प्रोटीन रोटेट्स 180 डिग्री सेल्सियस एंड रिलीज द मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल. सो वाटर चैनल आर मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स. ओके, नाउ दिस इज द एक्वापोरिन. नाउ यू आर सीइंग हेयर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस द सेंटर पार्ट इज पोरिन एंड बाय द पोरिन दिस इज द आउटर पार्ट आउटसाइड ऑफ सेल एंड दिस इज इनसाइड ऑफ सेल. ओके, नाउ दिस इज इनसाइड ऑफ सेल. सो नाउ यू आर सीइंग हेयर दीज सब्सटेंसेज एंटरिंग by this transported molecule inside the cell to outside. Now this is okay. So now facilitated diffusion जो होता है वो cell membrane के अंदर कुछ aquaporins होते हैं, जैसे कि aquaporins ये दिखाए गए हैं. इन्हीं aquaporins से कोई substance cell के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आता है. Okay. Now you have to draw this diagram. See this diagram carefully. This is the diagram of facilitated diffusion. Okay. Now you see this. Facilitated diffusion. Now following आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलेटेड डिफ्यूज़न. देखें, तीन तरीके का फैसिलेटेड डिफ्यूज़न होता है. यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट. यूनिपोर्ट, व्हेन ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अलाउ ए मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड यूनिपोर्ट. नाउ सिमपोर्ट, व्हेन ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अलाउ द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू साइमल्टेनियसली इन वन डायरेक्शन.